अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन हाउ आर यू ऑल आई एम सर सरूबाज मिल एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट नंबर फोर क्रिएटिंग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इट इज ऑन पेज नंबर थर्टी सेवन की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह से आप लोग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप लोग एम एस वर्ड को ओपन करेंगे तो इस तरह से डॉक्यूमेंट विंडो जो है ओपन हो जाएगी इस तरह की डॉक्यूमेंट विंडो आपको स्क्रीन पे नजर आएगी अब इस डॉक्यूमेंट विंडो पे कौन कौन सी पार्ट्स हैं देखें सबसे पहले है यहाँ पे टाइटल बार जिस पे जो है डॉक्यूमेंट का नेम मेंशन होता है देन दिस इज मेन्यू बार जिसपे लिखा हुआ है फाइल एडिट व्यू यह है मेन्यू बार देन स्टैंडर्ड टूल बार ये देखें मेन्यू बार के नीचे जो टूल बार है यह है स्टैंडर्ड टूल बार उससे नीचे जो बार है वो है फॉर्मेटिंग टूल बार ये वाली इसके अलावा टाइटल बार के ऊपर तीन बटन्स होते हैं यानी कि मिनिमाइज बटन मैक्सिमाइज़ एंड क्लोज बटन उसके अलावा यहाँ पे जो आपको बार नज़र आ रही है इसे कहते हैं रूलर बार जिस एरिया में काम किया जाता है वो होता है वर्क स्पेस जहाँ पर डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं इसके अलावा इसमें दो स्क्रॉल बार्स होती हैं एक है वर्टिकल स्क्रॉल बार और दूसरी है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार इसके अलावा जो है नीचे पेज पर पे स्टेटस जहाँ शो होता है फॉर एग्ज़ाम्पल पेज नंबर वन एंड टाइपिंग स्पीड वो होती है स्टेटस बार अगर तो आप वर्ड का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और आपकी स्पेलिंग्स में आपको लग रहा है कोई मिस्टेक हो गई है और आपने स्पेलिंग्स को चेक करना है तो उसके लिए आप सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे मेन्यू बार में टूल्स ऑप्शन में दिस इज टूल्स ऑप्शन इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है एक मेन्यू अपेयर हो जाएगा उसमें आपने क्लिक करना है स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जब आप स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा इसमें अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो वो आपको रेड लाइन से शो हो रही होगी और आपने इसमें या से चेंजिंग करके तो उसको आप ओके okay कर सकते हैं अब अगर फॉर एक्ज़ाम्पल आप वर्ड डॉक्यूमेंट बना रहे थे और आपने कोई वर्ड जो है डैट लिखना था लेकिन आपने उसकी जगह दिस लिख दिया और आपने उसको एडिट करना है तो आप सबसे पहले मेन्यू बार में एडिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एडिट मेन्यू में जाके आपने फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है इस तरह से डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस अब यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है आप वो लिखेंगे और रिप्लेस विद वो वाला हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर देंगे क्या example, हमने क्या फाइंड करना है फॉर एग्जाम्पल हमने दिस टाइप दिस को जो है दिस वर्ड हमने लिखा था उसको फाइंड आउट करना है और उसको किससे रिप्लेस कर देना है डैट से तो उसको हम इधर लिख देंगे और इस तरह से जो है हम इसको रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो वर्ड है वो हो जाएगा रिप्लेस अब जो टेक्स्ट आप टाइप कर रहे हैं अगर आपने उसमें फॉर्मेटिंग करनी है एडिटिंग करनी है तो उसके लिए आपने क्लिक करना है फॉर्मेटिंग टूल बार पे ये हमारी फॉर्मेटिंग टूल बार यहाँ से टेक्स्ट की होती है फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग टूल बार में ये बताया गया कि किस तरह की हम एडिटिंग कर सकते हैं यहाँ से हम फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं इधर से हम फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं फॉन्ट साइज टेक्स्ट को जो है आप बोल्ड कर सकते हैं इटैलिक अंडरलाइन इसके अलावा अलाइनमेंट कर सकते हैं टेक्स्ट की हर तरह की इसके अलावा जो है नंबरिंग कर सकते हैं आप उनको उसको बुलेट फॉर्म में कर सकते हैं और उसका जो है इंडेक्स वगैरह इंडेंट जो है उसका डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं इसके अलावा टेक्स्ट को हम हाईलाइट भी कर सकते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होती है कि आपका जो टेक्स्ट है वो किस तरह से अरेंज है अकॉर्डिंग टू पेज मार्जिन या हमारा जो होता है पेज मार्जिन होता है जिसको हम यहाँ पर सेट करते हैं इसके अलावा टेक्स्ट इंडेंट क्या होती है जो हम मार्जिन सेटिंग करते हैं पेज की उसके फासले से जो कि यहाँ से हम करते हैं रूलर से अगर आप फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ पे मेन्यू बार ओपन होगा उसमें लिखा होगा प्रिंट प्रिंट पे आपने क्लिक करना है तो इस तरह से प्रिंट मेन्यू ओपन हो जाएगा और आप वहाँ से प्रिंटिंग की जो है सेटिंग्स देख सकते हैं अगर आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स डालना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले मेन्यू बार में इंसर्ट पे क्लिक करना है इंसर्ट पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से मेन्यू ओपन हो जाएगा उसमें आपने पिक्चर में जाना है और उसके सब मेन्यू में लिखा है क्लिप आर्ट क्लिप आर्ट पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पे बहुत सारी ऑप्शन शो होंगी वहां से आप अपनी मर्जी की जो है पिक कलेक्ट कर सकते हैं उस पर आपने करना है उसको सिलेक्ट करना है और वो जो है आपके डॉक्यूमेंट पे आपको नजर आएगी इस तरह से पिक्चर जो है इंसर्ट हो जाएगी आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में यानी कि टेक्स्ट के टेक्स दरमियान में आप पिक्चर्स को भी ऐड कर सकते हैं जिस तरह से आपने क्लिप आर्ट इंसर्ट किया है उसी तरह से आपको नीचे एक ऑप्शन नज़र आ रही है वर्ड आर्ट की आप यही प्रोसेस करके दोबारा से आप वर्ड आर्ट पर क्लिक करें इस तरह से वर्ड आर्ट गैलरी ओपन हो जाएगी अब आप देखें यहाँ पर डिफरेंट तरह के स्टाइल्स में बताया गया कि फॉन्ट के आप किस किस तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं तो आपने सबसे पहले फॉन्ट को सिलेक्ट करना है उसके बाद यहाँ से किसी एक स्टाइल पर क्लिक करना है और फिर ओके कर देना है तो आपका जो फॉन्ट है वो उसी स्टाइल का हो जाएगा अगर आपने लाइन्स में बॉर्डर या शेडिंग करनी है तो आपने मेन्यू बार के अंदर फॉर्मेट में जाना है यहाँ फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद आपको बॉडर्स एंड शेडिंग लिखा हुआ है मेन्यू बार में आपने उस पर क्लिक करना है तो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपने बॉर्डर्स की सेटिंग पेज के लिए करनी है या पैराग्राफ के लिए यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टाइल शो हो रहे हैं लाइंस के उसका कलर कौन सा रखना है उसकी विर्थ कितनी रखनी है हर तरह की सेटिंग करके आपने ओके okay कर देना है लेकिन ये देखें यह है बॉडर्स की सेटिंग अगर आप उसी पर शेडिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे शेडिंग की सेटिंग नज़र आ रही है कि आपने कौन सा कलर लेना है कौन सा स्टाइल लेना है और पेज पे उसको अप्लाई करना है या पैराग्राफ पे उसके बाद आप ओके OK कर देंगे अब अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करना है तो उसके लिए आप फिर से जाएंगे मेन्यू बार में इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वहाँ से आपको इंसर्ट टेबल की ऑप्शन नज़र आएगी मेन्यू में आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक बॉक्स ओपन हो जाएगा अब आपने उसमें बताना है कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए और कितनी रोज चाहिए टेबल में इसके अलावा बाकी भी सेटिंग है और आपने उसके बाद ओके कर देना है तो वो जो टेबल है इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट पे बन जाएगा ये देखें दिस इज टेबल विद एंड कॉलम्स इसके अलावा आप हाइपर लिंक्स भी लगा सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे हाइपर लिंक क्या होता है हाइपर लिंक आपके डॉक्यूमेंट पे कैसा लिंक होता है जिस पे आप क्लिक करें तो आप दूसरे पेज पे चले जाते हैं तो उसके लिए आप अपनी स्टैंडर्ड टूल बार पे या तो हाइपर लिंक के बटन पे क्लिक कर सकते हैं या सिंपल आपने जिस जगह का लिंक डालना है वहां का आप यूआरएल लिख सकते हैं या इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है कि आपने अगेन इंसर्ट ऑप्शन में जाना है यहाँ से आपको जो मेन्यू बार शो होगी उस मेन्यू में लिखा होगा इंसर्ट हाइपर लिंक आपने उस पर क्लिक करना है तो आपका जो है हाइपर लिंक की ऑप्शन शो होगी इस तरह से इंसर्ट हाइपर लिंक का बॉक्स जो है डायलॉग बॉक्स से हो जाएगा अब आप इसमें देखें कि ऑप्शन हैं आपने यहाँ पे फाइल का नेम एंटर करना है और नीचे उस फाइल से रिलेटेड इंसर्टेड लिंक्स आ रहे हैं और या आप यहाँ पे लिंक्स लिख सकते हैं उसके बाद तमाम सेटिंग करने के बाद जब तो हो जाएंगी तो आपने ओके के बटन पे क्लिक करना है ओके क्लास सेवन डेट्स ऑल फॉर टुडे। आपने कॉपी पे काम करने से पहले टीपी पे ज़रूर बनाना है जिसमें आपने यूनिट नंबर और यूनिट का नेम मेंशन करना है टेक केयर अला